वहीं खरगोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। नवग्रह मेला मैदान में आयोजित जनसभा में भारी भीड़ को देखकर कहा कि आपका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। पीएम ने कहा कि ये प्यार और आशीर्वाद विकसित भारत के लिए है। इसके साथ ही कहा कि यहाँ आना सौभाग्य की बात है और नर्मदा के तट वाले कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला और कहा राम मंदिर पर फैसला पलटने की कांग्रेस की सोच का भी उन्होंने यहां जिक्र किया। किसी सौभाग्य से कम नहीं है, ये माता नर्मदा की कृपा है। सदियों से क्रम चला है, कभी भी नर्मदा तट पर रहने वाला मांगने वाले को निराश नहीं करता है जी। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। कि इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता। भाड़ में जाए पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं, और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शाहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। धार में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार भोजशाला का जिक्र किया। कहा कि भोजशाला में सुविधाओं का विस्तार करना है, विकास के साथ साथ विरासत को भी संवारना है। धार की भोजशाला, बाघ गुफाएं, मांडू का जहाज महल, ऐसी जगहों पर भाजपा सरकार सुविधाओं का विस्तार कर रही है। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।